आज मैं आपके लिए रोसबोरा की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, ये बंगाली स्वीट्स की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी, शिल्पी क्यूजिन के नाम से। आप देख सकते हैं ये मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है। सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और आपकी मिठाई ऐसी नहीं बनेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैंने इसमें सिर्फ दो चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है और ये मिठाई इतनी सॉफ्ट है, इतनी टेस्टी बनती है कि घर में सभी को पसंद आएगी, गारंटी है दोस्तों मेरी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी यमी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने यहाँ पे एक कप चीनी लिया है। जी हाँ, आप कोई भी मेज़रमेंट करें तो एक कप से ही करें। तो एक कप चीनी ले लेंगे और जितना चीनी लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी ले लेंगे। एक कप चीनी के साथ एक कप पानी हमने यहाँ पर डाल देना है और गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से इसमें हम बॉयल आने देते हैं, चीनी को घुलने देते हैं। चाशनी हमें चिपचिपी चाहिए, जिस तरह से गुलाब जामुन की चाशनी होती है चिपचिपी, हल्के से जैसे आप तेल को लेते हैं तो कैसा चिपचिपा जैसा लगता है, बस वैसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से यहाँ पे घुल चुकी है। यहाँ पे मात्र हमें 5 मिनट लगे हैं इसे कुक होने में। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज फूड कलर, जिससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा चाशनी का। नहीं तो प्लेन ही मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास फूड कलर नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और साथ में एक चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं ताकि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं हो, जमे नहीं। बस इसे मिक्स कर देते हैं और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ढक देते हैं। चाशनी हमें गर्म ही चाहिए। तो देखिए बिल्कुल चिपचिपी जैसी चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इसे हम ढक देते हैं ताकि हमारी चाशनी गर्म ही रहे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे एक और हमने पैन ले लिया है और इस पैन में हम डाल देंगे एक चम्मच शुद्ध घी, यानी शुद्ध देसी गाय का घी। जो भी घी है डालें, अगर घी नहीं है तो आप इसमें जो भी ऑयल खाते हैं कुकिंग ऑयल वो डालें, सरसों तेल को छोड़कर। अब यहाँ पर तेल भी गर्म हो गई अच्छी तरह, घी भी अच्छी तरह से गर्म हो गई। और यहाँ पे आधा कप सूजी, जी हाँ हाफ कप हमने सूजी लिया, बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से। और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे रखा है मीडियम टू लो। जी हाँ, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें सूजी में हल्का सा फ्लेवर लाना है, यानी हल्का सा भून लें इसे घी में। आप देख सकते हैं जैसे मैंने भूना है, बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और फूल जाती है अच्छी तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 कप दूध लेना है। जी हाँ, फुल फैट क्रीम जो दूध होती है ना वो आपको लेना, अगर नहीं है तो जो भी दूध आपके पास है वो आप ले सकते हैं। तो गैस का फ्लेम लो करते हुए हम यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक बार में डालेंगे तो गुलटियाँ पड़ने के चांस होंगे, तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। जी हाँ, मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो इसे लगातार चलाएँ, धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जाएगा, इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा आपको। और चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से इसे दबा दबा के इसे यहाँ पे मैश कर लेंगे। आधा काम इसी समय हम कर लेंगे इस स्पैचुला की सहायता से, ताकि एकदम अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे दबा दबा के यहाँ पे सूजी को कर रही हूँ, ताकि ये बहुत ही चिकना डो हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो सूजी को कब तक कुक करना है, जब तक ये पैन ना छोड़ दे अच्छी तरह से। एकदम सॉफ्ट भी नहीं रखना है और एकदम हार्ड भी आपको नहीं रखना है, तो सेमी सॉफ्ट रखना है आपको इस डो को। तो देखिए किस तरह से ये पैन डो छोड़ चुका है। देखते ही देखते जो सूजी है सारी, इसका दूध है सूजी का सारा सूख चुका है। और इसे एकदम अच्छे से मसलते हुए चम्मच की सहायता से एकदम प्रेशर देके इसे अच्छी तरह से हमने यहाँ पे एक डो तैयार हमारा हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र हमने यहाँ पे कर दिया है और इसे हम ढक देते हैं जब तक ये ठंडा ना हो जाए। तो अभी हाथ सहने लायक नहीं है, तो बहुत ही गर्म है, इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग 50% से ज़्यादा ठंडा हो चुके हैं। तो मैं देख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना उस समय सॉफ्ट था और अब सूजी अच्छे से यहाँ पे फूल गई है।
तो इस बॉल में तो मिक्स होगी नहीं, तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सूजी को आपको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है, सेमी सॉफ्ट रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये खास टिप है आपके लिए। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, ताकि जब हम खाएं तो उसमें भी फ्लेवर आए। और साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं चुटकी भर, जी हाँ, हाफ कप के लिए हम यहाँ पे एक पिंच यहाँ पे सोडा डालेंगे, जी हाँ, जो खाने वाला सोडा होता है वो डालेंगे। अगर एक कप ले रहे हैं तो एक चौथाई डालें, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो टूट जाएंगे फ्राई करते समय। अब इसे हाथ, देखिए हाथ बिल्कुल सहरा, एकदम ठंडा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, हल्के से गर्म में ही, जैसे हल्का सा गर्म है बस उसी में आपको इसका अच्छे से मिक्स करके डो लगाना है। तो चिकना होने तक इसका अच्छे से हमें यहाँ पर डो लगाना है, अच्छे से मसलते हुए इसे हमने यहाँ पर डो लगा रहे हैं। अगर आपके हाथ में चिपक जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इसे मसलते रहें, धीरे धीरे ये अपने आप छूटते जाएंगे। घी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा, घी ज़्यादा यूज़ कर देने से ही हमारे जो होते हैं ना रसबोरा, वो फ्राई करते समय टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। बहुत लोग के कमेंट्स है कि टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं बिना मिल्क पाउडर के बताएं, तो ये बिना मिल्क पाउडर की रेसिपी है और बहुत ही परफेक्ट बनेगी आपकी। बहुत ही अच्छे से हमारा डो, देख सकते हैं लगभग 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना उस तरह से इसका मैंने अच्छे से मसलते हुए एक डो तैयार किया, बिल्कुल चिकना डो तैयार हुआ है। और हल्के से हाथ में लग रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही लगेंगे, सूजी ये थोड़ी सी चिपकती है। अब इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे ढक देते हैं, क्योंकि पपड़ी नहीं जमनी चाहिए इसके ऊपर, हमें ढकते हुए इसका छोटा छोटा बॉल्स इसमें हम निकाल लेंगे और इसे ढक देंगे, ताकि ये पपड़ी नहीं जमे और गर्म ही हल्की सी रहे, और उसी में हम इसके सेब दे देंगे। तो मन चाहा आप सेब दे सकते हैं। तो रसबोरा ऐसे लंबाई में बनते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में चिपक रहे हैं और अपने आप छूट भी जा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घी मत लगाइएगा दोस्तों, नहीं तो तेल में बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप लंबाई में भी कर सकते हैं इस तरह से रसबोरा को, नहीं तो गोल की शेप में भी कर सकते हैं। बहुत लोग के कमेंट्स थे कि इस तरह से लंबाई से करने में हमारे सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं, तो आप चाहें तो गोल का भी शेप दे दें और नहीं तो इस शेप में। तो मैं यहाँ पे गोल का शेप भी आपको बताऊंगी और लंबाई वाले शेप में भी फ्राई करके बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर दें, पेड़े का शेप दे दें, बिल्कुल चिकना है, कहीं से क्रैक नहीं। अगर क्रैक हो रहा है ना दोस्तों, तो हल्का सा दूध लगा के उसे हल्का सा सॉफ्ट कर लें, ये खास टिप है आपके लिए। तो बिल्कुल सॉफ्ट डो में लगाना है, बस इसका आप गोलाई करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट क्रैक फ्री आपके ये पेड़े बनने चाहिए, नहीं तो फिर आपका तेल में जाके ये क्रैक हो सकते हैं या बिखर सकते हैं। तो देखिए बाकी का भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। तेल कितना गर्म होना चाहिए, जी हाँ, तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए, आप देख सकते हैं हल्का गर्म चाहिए। अगर आप तेज आंच में इसे डाल देंगे ना तो फूल जाएंगे और पपड़ी जैसी ऊपर से आ जाएगी, तो बिल्कुल भी हमें गर्म तेल नहीं चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। मीडियम हॉट हमें तेल चाहिए, जी हाँ, मीडियम हॉट पर तेल चाहिए। और पहले मैंने दो डाल के देखा है कि कहीं ये टूट तो नहीं रहे हैं, बिखर तो नहीं रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल भी टूटा और बिखरा नहीं है। इसे हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इसे अच्छे से पलटना है, आसानी से पलट जाते हैं ये, धीरे से इसे डालें और इसे छेड़े बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा अगर तेल ऊपर से डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे ही अंदर नीचे की तरफ से ये सिक जाएंगे तभी इसे पलटे, नहीं तो सॉफ्ट है वो टूट सकते हैं। तो सारा काम हम मीडियम टू लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे कलर भी आ चुका है, तो ये कलर परफेक्ट है, जैसे चाशनी में जाएंगे इसके कलर, इसका कलर लाइट हो जाएगा। तो चलिए इसे अब हम चाशनी में डालते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ सूजी और दूध से ही हमने यहाँ पर इसे बनाकर तैयार किया है, कोई भी मिल्क पाउडर, कोई भी अदर चीज़ नहीं डाली है, बाकी का भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना गुनगुना तेल है। एक टिप और है, जब भी आप फ्राई करके निकालते हैं तो उस समय तेल बहुत ही गर्म रहती है, तो उसमें ना डालें, तेल को स्लो कर दें, फ्लेम को स्लो कर दें तब इसमें डालें, तो बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। अब इसे हम गर्म चाशनी में, जी हाँ, गर्म चाशनी में ही आपको इसे डालना है, गुनगुने चाशनी में भी नहीं, गर्म चाशनी में आपको इसे डालना है। और चाशनी हमारी जाते नहीं, आप देख सकते हैं इतनी डूबी हुई है, बस इसे उलटते पुलटते इस तरह से कर देते हैं। चाशनी मैंने दोबारा गर्म कर ली थी क्योंकि हल्के से ठंडी हो गई थी,
अब देखिए इस तरह से उलट पुलट देंगे, हल्की सी चाशनी इसके ऊपर से डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे ताकि हल्के से गर्म के भाप में ये अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम यहाँ पे मैंने लंबाई वाले शेप में भी बना दिया ताकि आपको उसे भी दिखा दूँ कि ये भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो आप लंबाई की शेप में भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी मीडियम फ्लेम पे आप अच्छे से फ्राई कर लें, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें कोई भी घर में पार्टी हो या बर्थडे हो। चाशनी में हमने सारे रसबुरा को डाल दिया है और ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं हाफ फूला है अभी, तो लगभग आधा घंटा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक उबाल ला देंगे, तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम ऑन कर देंगे और इसे हल्का सा पलट देते हैं, यानी कि डाल दिया और छोड़ दिया। आप सभी को रसबुरा को एक बार उलट पुलट देना है, यानी कि एक तरफ से फूल जाए फिर दूसरे तरफ से आप उसे पलट दें ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से फूले और स्पंजी हो जाए। आप देख सकते हैं सिर्फ हाफ एन आवर में ये इतना सॉफ्ट हो बन गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन किया था और ये अच्छे से यहाँ पे एक बॉयल आ चुका है। अब इसे ढक देते हैं। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो कम से कम आप इसे 1 से 2 घंटे तक इसी तरह से चाशनी में डूबे रहने दीजिए, तो आप इसे सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। तो लगभग 2 घंटे के बाद इसे मैं सर्व कर रही हूँ, 2 घंटे में बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट बन जाते हैं। और आप इसे फ्रिज में रखें, ठंडी ठंडी सर्व करें, नहीं तो गर्म गर्म सर्व करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।